आज मेरा दो इंटरव्यू है, एक 10 बजे का है और एक बजे का है। और 10 बजे वाला मेरा है आरकेपुरम में, जो कि मेरे रेंज से बहुत पास है, और दूसरा मालविया नगर में है, जो कि थोड़ा सा दूर है। बट मैं सोच रही हूँ कि दोनों ही इंटरव्यू दे के आ जाऊँ, मगर अगर आरकेपुरम वाला भी मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं मालविया नगर तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो जगह मेरे लिए बहुत दूर है। तो मुझे इतना कोई डर वर तो नहीं लग रहा दिल के अंदर कि इंटरव्यू कैसे जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए हैं और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कहीं से सिलेक्शन नहीं हुआ हो। मगर हो सकता है ये वाला डोमेस्टिक है, मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल के लिए देती इंटरव्यू, ये वाला डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक में पता नहीं कैसा है, मगर डोमेस्टिक में आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट होनी चाहिए और आपकी हिंदी भी फ्लुएंट होनी चाहिए, शायद ऐसा ही कुछ है। तो आज देखे आती हूँ, तो इस ब्लॉग को वो लोग देखें जो बहुत अमीर है, जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, और इस ब्लॉग को वो लोग भी देखें जो मिडिल क्लास है, और वो लोग भी देखें जो मेरी तरह गरीब है। क्योंकि दिल्ली में अगर आपको रहना है और आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तब तो भैया आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा आपको जो भी चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। चलते हैं किचन में, अंडा उबालने के लिए रख दिया मैंने। अभी जब तक अंडा उबाल रहा है मैं तब तक फ्रेश होके आती हूँ, नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी करना है पूजा। ये मेरा मंदिर है, शाम को जलाया था कल, ये मैं हमेशा तैयार करके रख लेती हूँ दिया के लिए। ये इनके पानी का लोटा है। खाने में कैरेट फ्राइड राइस बनाऊंगी मैं। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब राइस डालना। ये शाम का राइस बचा था, वही मैं फ्राई करने वाली, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी फूड। बड़े मेहनत से खाना आता है। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, और ये पता नहीं क्या है, बट कैरेट खाना चाहिए। तो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए निकल गई हूँ मैं, एंड दिस इज हाउ आई ड्रेस अप। ऊपर टी शर्ट पहना है, नीचे लॉन्ग पैंट पहना है, और नीचे एक ब्लॉक हील वेजेस पहना है मैंने, क्योंकि मेरे पास फॉर्मल कोई कपड़ा है ही नहीं। शर्ट था जो मैं स्कूल वगैरह में टीचिंग करते हुए पहनती थी, मगर वो भी बहुत पुराना लग रहा है। नो कि बहुत से लोगों के पास हर ओकेज़न के लिए अलग कपड़ा रहता है, बट आई डोंट हैव दैट मनी राइट नाउ कि मैं एक दूसरा कपड़ा अफोर्ड कर सकूँ, स्पेशली एक इंटरव्यू के लिए। स्टिल होप फॉर द बेस्ट। बस तो प्लब बोलिए, मुझे बताती हूँ क्या होता है। दिस इज़ द लोकेशन, इस गेट के अंदर जाऊँगी मैं अभी। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि मैं इस बार जिस इंटरव्यू के लिए आई हूँ वो भी कस्टमर केयर का ही है। मुझे अभी तक जॉब रोल के बारे में नहीं पता, मगर दिस इज़ नॉट अ बिग ऑफिस लाइक टेली परफॉर्मेंस, जो इंटरनेशनल शिफ्ट के लिए प्रोसेस के लिए काम होता है। ओबियसली तो डोमेस्टिक का ही होगा, सैलरी भी कम है, मगर इस बार मैं यही चाहती हूँ कि मैं शांति से बैठ के काम करूँ, ज़्यादा मेरे ऊपर वर्कलोड ना हो, प्रेशर ना हो, क्योंकि मुझे अपना एग्ज़ाम वगैरह भी देना है PE का, और डे शिफ्ट ही मुझे चाहिए था। क्योंकि आप जिस भी इंटरनेशनल के लिए जाते हो ना, उसमें आपको नाइट शिफ्ट भी मिलता है, जो कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। दिस इज हाउ द लोकेशन लुक लाइक। सारा हॉस्पिटल या क्लिनिक है शायद यहाँ। ये रहा बिल्डिंग, लव माई स्माइल इज द कंपनी जिसके लिए मैं इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ। लेट्स गो इनसाइड। जगह तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, फिर भी अंदर जाके पता चलेगा क्या क्या होगा।
10 बजे को आई थी, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक बिठाने के बाद बोल रहे कि पेपर वाला रिज्यूमे आपको सबमिट करना है। एक चीज़ तो है, ये बड़े कंपनी और छोटे कंपनी में, छोटे कंपनी में ना कोई प्रोफेशनली बिहेव नहीं करता, ऐसे ही चेयर पे बैठ के ये वो, कुछ प्रोफेशनल नहीं है। बट वही है, जॉब की नीड है, आई हैव टू डू इट। अभी जा रही हूँ यहाँ पे, वहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे जेरोक्स निकालते हैं उस दुकान की तरफ जा रही हूँ। बाहर आते आते बहुत भूख लगती है मुझे, तो मैंने दाल मखनी, शाही पनीर, थोड़ा सा सैलड, चावल या अभी मैं खाऊँगी, और भूख लग रही है। दूसरा ये रहा एक्सपर्ट स्टफिंग सॉल्यूशन, यहाँ पे आई हूँ मैं। सुबह के 10 बजे से निकली हूँ, अंदर में एक घंटे के लिए बैठी थी। मेरा फर्स्ट राउंड हो गया है, मगर अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आपका, मतलब उनसे जो सीनियर जो बॉस है, जो ऑनर है, वो आएगा इंटरव्यू के लिए, सेकेंड राउंड द फाइनल राउंड। अभी बस वेट कर रही हूँ कब होगा, बिकॉज आई एम वेरी 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 टायर्ड। जो मैंने पहले खाना दिखाया था वही मैंने लंच में किया है, भूख भी लग रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फाइनली मुझे अपने खाने का एक जगह मिल गया, बॉइल्ड एग। अभी थोड़ी देर पहले मैं वापस आई थी, और पहले वाला जो इंटरव्यू मैंने दिया था वो सेल्स वाला है। सेल्स वाले आप समझते होंगे कि आपको कुछ बेचना है लोगों को फ़ोन के थ्रू, जो कि मुझे नहीं करना था। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोफाइल के बारे में, मुझे पता नहीं था, बस यही पता था कि फ़ोन में कुछ बात करके कुछ काम होगा, बट वो मुझे नहीं करना था। और दूसरा वाला जो था वो तो पता नहीं, उन्होंने इंटरव्यू लिया तो है मगर सेलेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, कोई आता पता ही नहीं है, कुछ बताया भी नहीं। जिसके थ्रू मैं इंटरव्यू देने गई थी उसको भी मैंने मैसेज किया, वो भी रिप्लाई नहीं कर रही है, तो पता नहीं। बट इस दो इंटरव्यू के चक्कर में कैब से आना जाना करके चले गए, 500 रुपये चले गए। खाना का 120 और 140 समथिंग था प्लेट का, तो 620 रुपीस। बड़े मेहनत से मैंने स्कूल में टीचिंग करके पैसे बचाए थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, एक बार में सब ख़त्म हो गया, क्योंकि टिकट भी मैंने, दिल्ली का टिकट भी मैंने अपने पैसे से किया था, और सोचा था आते ही जॉब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा है। दिल्ली में जॉब मिलना बहुत इजी है अगर आपका इंग्लिश फ्लुएंट है, अगर आप अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो और कॉन्फिडेंट हो तो मिल जाएगा। मगर जॉब की कमी नहीं है, मगर मुझे जैसा जॉब चाहिए वो मिल नहीं रहा है। मगर हार नहीं मानना है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक ही दिन इंटरव्यू दिए, तो वीडियो को, बाय बाय।